वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मैं CPM के एक एग्जांपल दे चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने एक्टिविटी और टाइम बताया था। दूसरा मैंने एग्जांपल कहा था जिसमें आपको नेटवर्क डायग्राम दिया जाएगा और नेटवर्क डायग्राम को कैसे उससे आप अपनी टेबल बनाएंगे, मैंने कहा था एग्जांपल बताऊंगा आपको। CPM का मैंने बेसिक बताया था, फिर क्रिएट कैसे करते वो बताया था। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है और आई बटन में भी लिंक दी है और लास्ट में भी लिंक दी है, आप वहाँ से कहीं से भी जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो देख लेने के बाद इस वीडियो को समझेंगे ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ पार्ट ऐसी चीज़ हैं जो स्किप भी कर सकता हूँ इसमें। चलिए, एंड क्वेश्चन है, पढ़िएगा। एंड एक्टिविटी नेटवर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग 8 इवेंट 12 एक्टिविटी 1 डमी एक्टिविटी। याद आया कुछ? मैंने CPM में जब आपको मैंने पढ़ाया था तो बोला था डमी एक्टिविटी इसमें हो सकती है। किसमें नहीं हो सकती? पार्ट में। पार्ट तो फुल फॉर्म क्या होता था? प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। याद आया कुछ? समझ में आया ना? चलिए ठीक है, अब चलिए। एक नेटवर्क है, अब नेटवर्क बना दिया गया है ऑलरेडी, इसमें नेटवर्क इस टाइप का ऑलरेडी दिया गया है। मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, याद होगा कुछ, कि आपको सबसे पहले देखनी होती है डिपेंडेंसी, सब में डिपेंडेंसी। इसमें भी डिपेंडेंसी देखिए, बट एक चीज़ याद रखना कि आप डिपेंडेंसी देखेंगे सबसे कम किसी भी हो सकती है आठ, आप लास्ट वाले की डिपेंडेंसी, तो आप सबसे लास्ट उसके 2 वाले को देखेंगे, फिर उसके प्रीवियस भी देखेंगे क्योंकि वो पूरी नहीं हुई है। अब उनके प्रीवियस को पूरा होना भी चाहिए। जैसे मैंने 8 में पहुंचना है, मेरी उसकी डिपेंडेंसी 8 वाले की 2 है, मान ले 8 की 2 है, अब इसकी मेरी डिपेंडेंसी 2 है, वो 6 और 7 से आ रहा है। अब 6 और 7 तो कंप्लीट ही नहीं हुए, तो 6 और 7 को भी देखेंगे वो कंप्लीट कैसे होंगे। तो 6 और 7 वाले कंप्लीट हो गए 5 से, 5 कंप्लीट हुआ नहीं, वो 5 भी नहीं हुआ, तो 5 से पिछली बार वाले देखेंगे, ऐसे चेक करते हैं। थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो में पहले उस चीज़ को क्लियर कर रहा था। चलिए, अब डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसी में बताता हूँ। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है, प्लीज वीडियो को रोकिए और पहले डिपेंडेंसी समझिए, लिखिए। चलिए, 1 से 2 1 से 4 1 से 3। अब 1 से 2 जाने के लिए डिपेंडेंसी 1, 1 से 4 जाने की डिपेंडेंसी 2 है, किसी क्योंकि 1 से 4 जा रहे हैं और 2 से 4 जा रहे हैं, तो डिपेंडेंसी कितनी है? कुछ याद आई 2, इसकी डिपेंडेंसी 2 लिख लेना है। 1 से 3 की डिपेंडेंसी कितनी है? 1। ऐसी इसकी डिपेंडेंसी मैंने सारी की लिख ली। यहाँ पर टाइम आपको देख रहा होगा, 1 से 2 जाने का 8 है, 1 से 7 4 जाने का 7 है, 1 से 3 जाने का 10 है, 2 से 4 जाने का 1 है, यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ, आपको सही से देख लीजिएगा, और यहाँ पर ऐसे सारे टाइम को लिखा है। अब इससे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्रिटिकल पाथ फॉर अबाउट, जो आपको ये डायग्राम दिया है इसके लिए क्रिटिकल पाथ बताइए। दूसरा बोला है कैलकुलेट सिलेक्ट फॉर ईच एक्टिविटी, हर सिलेक्ट एक्टिविटी के लिए सिलेक्ट बताइए। तीसरा दिया है फाइंड अर्लियर स्टार्ट, अर्लियस्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, दोनों टाइम बताइए। फाइंड अर्लियर फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, दोनों टाइम बताइए। चलिए, अब फिनिश टाइम भी मुझे अर्लियर जाना और लेटेस्ट भी जाना, अर्लियर स्टार्ट टाइम भी जाना और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी जाना। तो भाई, जब क्रिटिकल पाथ निकालते हैं तो ये चारों चीज़ की जरूरत भी होती है, साथ में फ्लोट चीज़ की भी जरूरत होती है। आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा ना, तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे। पिछली 2 वीडियो को देखना बहुत जरूरी है इस वीडियो के लिए। चलिए, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, अभी ये कुछ नहीं करते। चलिए, ये कुछ हुआ ही नहीं है, चलिए अभी हमारा बना नहीं है, ये बाद में ही बनाएंगे। चलिए, जिससे आपको डाउट ना हो, मैं डाउट नहीं करना चाहता। चलिए, इसी नेटवर्क को समझते हैं। नेटवर्क को समझने के लिए मैंने उसमें बताया, याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक बड़ा गोला बनाया था, उसमें मैंने डिवाइड कर दिया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि ऐसा नहीं किया तो आप स्टैक वाला चीज भी यूज कर सकते हैं। स्टैक वाले यूज करेंगे तो नीचे वाले को हम बनाएंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ऊपर वाले को अर्ली स्टार्ट टाइम, सॉरी नीचे वाले को बनाएंगे अर्ली स्टार्ट टाइम, ऊपर वाले को बनाएंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, समझ में आया? कुछ याद आ जाना चाहिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं आपको समझ में आए प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए, 1 से 2 गए, 1 से 2 देखिएगा 8 लग रहा, ठीक है 8 दिन लगे। अब मान लीजिए मैं 1 से 2 गया, तो मैंने 1, मेरी डिपेंडेंसी कितनी थी? 0। मैंने शुरुआत कहाँ से की? 1 से 0, मेरा पहले इनिशियल टाइम 0 है। अब 1 से 2 गया, कितना डिपेंडेंसी 1 से 2 थी? 1। मैं सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी को सॉल्व करने बोला था, 1 से 2 की सबसे डिपेंडेंसी थी, 1 से 2 गए 8, तो वहाँ पर हम लोगों ने 8 लिख लिया। ठीक है, अर्ली स्टार्ट टाइम को मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। दूसरा, 1 से 3, इसकी भी डिपेंडेंसी सबसे कम है, 1 से 3 गए, तो 1 से 3 जाने का सीधे टाइम लगा था 0 प्लस 10 10। चलो, 1 से 4 जाने की डिपेंडेंसी 2, 4 जाने की डिपेंडेंसी 2, कौन कौन सी? 1 से 4 जाएगा और 2 से 4 जाएगा। अब इन दोनों में एक चीज की डाउट रखना होगा, चलो यहाँ पर मैं लिख के समझाऊंगा। 1 से 4 जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, कौन से? 1 से 2 2 से 4 और 1 से 4 डायरेक्ट। तो दोस्तों, मैं अभी जो चीज़ समझा रहा था, जैसे कि आपको कुछ याद आया होगा,
कुछ याद आया नहीं, नहीं आया। चलो फिर से और अच्छे समझते हैं। डिपेंडेंसी समझ में आया था, मैं लिख रहा था वन से फोर और टू से फोर दो रास्ते थे। वन से फोर मुझे कितना लग रहा था सेवन, और टू टू फोर यहाँ पर एट ऑलरेडी लग चुका था, एट और वन नाइन, नाइन। तो इन दोनों में ज्यादा टाइम किसका हुआ नाइन, नाइन का। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या नाइन, ये लिखा, देखा याद आया कुछ। अब चलो इसके बाद सबसे कम किसकी थी, एट की, एट की, एट की आया, एट में चेक करा भाई। एट में चेक करने के बाद आपने देखा सिक्स और सेवन तो कंप्लीट ही नहीं हुए, तो वापसी सिक्स और सेवन में आए। सिक्स और सेवन को देखा कंप्लीट क्यों नहीं हुए, सिक्स और सेवन, सेवन किस पे डिपेंडेंट है, सिक्स सेवन डिपेंडेंट आपका फाइव और थ्री पर। थ्री तो कंप्लीट हो चुका पर फाइव कंप्लीट नहीं हुआ। अब फाइव कंप्लीट क्यों नहीं हुआ देखेंगे, तो फाइव कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको फाइव को कंप्लीट करेंगे। अब फाइव कंप्लीट होगा तो सिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं फाइव को कंप्लीट करते हैं। फाइव को कंप्लीट करेंगे कैसे, थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव टेन और सिक्स सिक्सटीन, लिख लिया टेन और सिक्स सिक्सटीन। फोर टू फाइव, फोर टू फाइव नाइन और थ्री ट्वेल्व, ठीक है लिख लिया। अब चलिए टू टू फोर, टू टू फाइव, टू टू फाइव एट और टू टेन, तो इन तीनों में ज्यादा कौन सा है सिक्सटीन, यहाँ पर हम लोगों ने सिक्सटीन बन लिया अलिया इस टाइम में। अब चलिए अब सेवन और सिक्स, क्योंकि एट डिपेंडेंसी किसकी थी सेवन और सिक्स, जब एट जब ही कंप्लीट हो सकते हैं जब सेवन और सिक्स कंप्लीट हो, तो सेवन और सिक्स केस पे डिपेंडेंट है। तो चलिए पहले अब देखिए सिक्स, सिक्स केस पे डिपेंडेंट है आपका टू पे और फाइव पे, टू और फाइव पे। चलिए एट और नाइन, एट और नाइन कितना हुआ सेवनटीन, ठीक है चलिए टू से सिक्स हम पहुंच चुके थे। अब फाइव टू सिक्स, फाइव टू सिक्स में जाओ क्या होगा सिक्सटीन और प्लस फाइव ट्वेंटी वन, कौन सा ज्यादा है ट्वेंटी वन, तो चलिए ट्वेंटी वन भर दिया। चलिए ठीक है समझ में आया ना। अब चलिए फाइव टू सेवन, इसी प्रकार से फाइव टू सेवन भरेंगे। फाइव टू सेवन भरने का चलो एक और बता देता हूँ, थ्री टू सेवन, थ्री टू सेवन जाएंगे टेन और प्लस फोर कितना हुआ फोर्टीन, ठीक है फोर्टीन लिख लिया है। अब फाइव टू सेवन, फाइव टू सेवन सिक्सटीन प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स, चलिए ट्वेंटी सिक्स लिख दिया। चलो इतना समझ में आया। अब यहाँ एट, एट में जाने के लिए ट्वेंटी वन और सेवन कितना हुआ ट्वेंटी एट, ठीक है ट्वेंटी एट लिखा, और यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू, तो यहाँ पर थर्टी टू, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आप ये कर सकते हैं। अब आपको लेटेस्ट स्टार्ट अलिया स्टार्ट टाइम निकालना सीख गए होंगे, शायद नहीं सीखे तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। और दूसरा है आप लिखाएंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे निकालते हैं, चलिए लेटेस्ट फिनिश टाइम में आपको बैक ट्रैकिंग करनी होती है। तो हमें मतलब जहाँ जाना था मुझे वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ से मैं वापसी आऊँगा तो अब मेरा कहा जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट फिनिश टाइम, वहाँ से मैं वापसी करते हुए आऊँगा। चलिए 32 था मेरे लेटेस्ट, क्या लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्या था लेटेस्ट फिनिश टाइम मेरे 32 का, ठीक है चलिए इसी को लेटेस्ट फिनिश टू टाइम बना दिया। अब मैं 8 से वापसी जाने के रास्ते कौन कौन से, 8 से मैं वापस जा सकता हूँ 6 में और 7 में डायरेक्ट जा सकता हूँ, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं 6 में आने का, 8 से ही आना होगा 7 को, 8 से ही 6 में आना होगा, 8 से ही 6 जाएंगे, 8 से ही 7 जाएंगे, तो 8 से 7 है, 8 से 6 जाए सॉरी, तो 32 और 7, 32 में 7 गए 25, 8 से 7 गए 32 में 6 गया 26, ठीक है अच्छी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर सिंपल लिख दिया, इसमें 26 लिख दिया, इसमें 25। अब आया 5, फाइव में आए भाई देखिए दोस्तों समझिए, फाइव में आए किस में, फाइव डिपेंडेंट है किस पे सेवन सिक्स, तो अब आइए देखते हैं 26 माइनस फाइव 21 आया, ओके गुड गुड। अब आया सेवन, सेवन से फाइव 26 और 10, 26 में 10 गए 16, तो कौन सा छोटा है 16, तो इसमें 16 भरा, ठीक है ये चीज़ मुझे बताना था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब ये चीज़ आप आराम से ये भर सकते हैं, मैंने ये चीज़ भरी हुई है, जैसे 5 से मैं 3 में वापसी करूँगा तो यहाँ पर 10 आएगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि जिसमें देखेंगे डिपेंडेंसी किस किस से है, 7 से भी है और 5 से भी है, तो ये देख सकते हैं 16 और 10 में 6 गए 10, यहाँ पर 10 आ गया, और इससे भी देखेंगे 26 माइनस 4 22, और आपका 10 और 22 में कौन सा छोटा है 10 छोटा, तो नॉर्मल सी बात है 10 भरा। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 2 वाले को, तो 2 में 21 माइनस 9 12, 25 था ना, 25 माइनस 9 16, अब 16, और यहाँ से भी देखिए 16 और 2 क्या 16 2 क्या हुआ 14, 14 अब यहाँ से भी देखेंगे हम लोगों को यहाँ भी सॉल्व आके जाएंगे 30 माइनस 1 12, ये सबसे कम 12 लिखा है यहाँ पर 12, इसी प्रकार से ये बन गया। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, चलो टेबल बनाते हैं। चलो टास्क टाइम ईएसटी ईएफटी एलएसटी ईएफटी फ्लोट, ये सारी चीज़ बता देंगे। अब टास्क वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, टाइम जो दिया गया है ये 1 से 2 जाने का 8 और 2 टू 6 जाने का 9, ये टाइम है। अब ईएसटी जो हम लोग को निकाले थे जब फॉरवर्ड वाइज में निकाल दीजिए, और एलएफटी जो हम लोग बैकवर्ड वाइज में निकालेंगे। अब ईएफटी और एलएसटी अब हम डिफाइन करेंगे, चलो ये चार चीज़ निकाल चुके हैं, तो चले 1 टू 2, 1 टू 4, 1 टू 3, 2 टू 4, ये सारी चीज़ हमने लिख ली है एक्टिविटी। इसके बाद टाइम 1 से 2 जाने का 8 है, 1 से 4 जाने का है 7, 1 से 3 जाने का है 10, ये सारी चीज़ बन, 2 से 4 जाने का हम लोगों का 1, और 2 टू 5 जाने का है 2, ये सारी चीज़ बन।
अब EST सब में EST मैंने बताया 1 से 2 जाना है तो 1 वाले को चेक करेंगे, 1 वाले को चेक किया, 1 वाले को चेक किया तो क्या आया 0, अब 1 से 4 वाले को 0 क्यों, 1 वाले को चेक करेंगे, इसमें 1 वाले को चेक किया तो इसमें 0 आया, 1 to 3 में जाने पर 1 वाले को चेक किया तो इसमें आया 0, 2 to 4 वाले में किसके वाले को चेक करेंगे, 2 वाले को चेक किया इसके क्या आता है अली स्टार्ट है 8, ऐसी मेरी ये टेबल बनी, समझ में आया। चलो LFT निकालते हैं, LFT में क्या करते थे पीछे वाले को चेक करते, 1 से 2 जाना है मुझे किस वाले को चेक किया पीछे वाले को चेक करने मतलब 2 वाले को चेक किया इसका क्या है लेटेस्ट फिनिश टाइम 12, समझ आया 12, इसमें मैंने 12 भरा, समझ में आया। अब एक और बताता हूँ, 1 से 4 वाले में पीछे वाले को चेक करा 13, समझ में आया, 4 वाले को चेक करेंगे 4 वाला मतलब 13। अब 1 से 3 में भी बता देता हूँ, 1 से 3 में पिछले वाले को चेक करेंगे 10 याद आया 10 ये ठीक, ऐसी मुझे ये LFT बनना। अब कौन कौन सी चीज निकालना है EFT और LFT, EFT के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था EST प्लस टाइम मतलब अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस टाइम आपको करना होगा तो EFT निकलेगा, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालते थे LFT माइनस टाइम, चलो EFT निकालते हैं, EST प्लस टाइम 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 0 7, 10 प्लस 0 10, 1 प्लस 8 9, ये EFT निकला। अब LFT कैसे निकालते LFT माइनस टाइम, LFT माइनस 8 12 माइनस 8 4 30 माइनस 7 6, ये मैंने LFT निकाला। अब फ्लोट कैसे निकालते थे आप ये EST जैसे ST निकाल ले लीजिए दो और L आगे कर दीजिए E पीछे कर दीजिए, बताया था मैंने कुछ याद आया होगा दिमाग में जोड़ डालिए, पिछली वीडियो देखिए नहीं आपने देखा तो। चलो 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 0 0, अब मैंने बताया था जो 0 निकले उसमें डबल टिक कर दीजिए, मैंने ऐसे डबल टिक कर दिया। अब इसके बाद देखना है कौन कौन से 1 से 3 देखिए 1 से 3 मैंने इसकी बनाई नहीं, चलिए बनाते हैं हम आप अपने बनाते हैं 1 से 3 मैंने लिख दिया, सीधे लिख लीजिए वैसे डायग्राम बना लीजिए 1 से 3, 3 to 5 मैंने देखा था एक और 4 5 to 7, और इसके चलो डायग्राम कैसे बनाते हैं डायग्राम बनाना अभी सीखते हैं। चलो 1 से 3 गए और फिर से दूसरा बोला दूसरा हम लोगों को क्या निकला था 3 to 5 जा सकते हैं 3 to 5 गए ठीक है, तीसरा क्या था 5 to 7 स्टेप से हम जा सकते हैं ठीक है, समझ में आया। चलिए ये इधर लिखिए कितना 10, इधर क्या लिखेंगे 3 to 5 में 6, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 10, ये लिखेगा, समझ में आया। चलो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, अब तक कमेंट हो कमेंट करिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.